हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गायलन, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए फिनाइल 50% ईसी से जुड़ी जानकारियां लेकर आए हैं। हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारियां देंगे, जैसे कि कौन सी फसल में कितनी मात्रा में इसको यूज करना है, इसके अंदर कौन सा साल्ट होता है और कौन कौन सी फसल में आप इसको यूज कर सकते हो, किस बीमारी में अंदर कौन सी फसल के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो, ये किस कंपनी का द्वारा निर्मित है। तो हम इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के से हम पहले ही शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर कौन सा साल्ट होता है। देखिए, इसके अंदर पेंटोटेट 50% इसके अंदर साल्ट होता है। अब हम बात करते हैं ये कौन कौन सी फसल के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। देखिए, आप इसे धान के अंदर यूज कर सकते हो, कपास के अंदर यूज कर सकते हो, मूंगफली के अंदर यूज कर सकते हो, काली दाल के अंदर यूज कर सकते हो, नॉर्मल दाल के अंदर यूज कर सकते हो, हरी दाल के अंदर यूज कर सकते हो, इलायची के अंदर यूज कर सकते हो और गन्ने के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि धान के अंदर कौन सी फसल के अंदर यूज करना है। देखिए, धान के अंदर आप बंद झीलियाँ के अंदर यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपसे 1 एकड़ के अंदर आपसे 1000 लीटर की मात्रा यूज करनी होगी और पानी की मात्रा भी 500 से लेकर 1000 लीटर तक की 1000 लीटर तक आपको रखना होगा। अब हम करते हैं कपास की बात। कपास के अंदर अमेरिकन डोडे की सूंडियाँ होती हैं, चित्तेदार सूंडियाँ होती हैं, गुलाबी सूंडियाँ होती हैं, तो उनके अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। आप उसके 1 एकड़ के अंदर आपसे 2000 ml यूज कर सकते हो, मतलब 2 लीटर यूज कर सकते हो और पानी की मात्रा 500 से लेकर 1000 ml तक आप इसे इसके अंदर यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मूंगफली के अंदर चीप बेबर की समस्या आती है, उसके अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। उसके अंदर भी आप इसे 1 लीटर यूज कर सकते हो, 500 से लेकर 1000 लीटर तक के पानी की मात्रा आप इसको 1 एकड़ के अंदर आपको रखनी होगी। अब हम बात करते हैं काली दाल के अंदर बिहारी बालीदार झिल्लियाँ होती हैं, उसके अंदर आपको कितनी मात्रा रखनी होगी। देखिए, उसके अंदर आपको 800 ml फिनाइल की मात्रा रखनी है और इसके अंदर आपको 500 से लेकर 1000 लीटर तक का पानी का यूज करना है। अब हम बात करते हैं दाल के अंदर फली छेदक आता है, तो उसके अंदर आपको 2000 ml, मतलब 2 लीटर पानी, 2 लीटर फिनाइल की मात्रा रखनी है और 500 से लेकर 1000 ml तक, 1000 लीटर तक आपको पानी का को यूज करना है। अब हम बात करते हैं हरी दाल के अंदर फली छेदक बिहारी फलीदार झिल्लियाँ आती हैं, उसके अंदर आपको 800 ml तक यूज करना है और इसके अंदर आपको 500 से लेकर 1000 लीटर तक की पानी की यूज करना है। अब हम करते हैं फली छेदक के अंदर आपको 200 ml यूज करना है और 500 से लेकर 1000 ml तक पानी की मात्रा रखनी है। अब हम करते हैं इलायची की बात। इलायची के अंदर आपको 500 ml फिनाइल की मात्रा यूज करनी है और 500 से लेकर 1000 ml तक का 1000 लीटर तक का आपको पानी का यूज करना है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। देखिए, जो इसका प्राइस है वो 1150 रुपये है, लेकिन ये आपको लगभग 900 से लेकर 950 रुपये तक का आपको मिल सकता है। और हम बात करें तो इसको आप चने के अंदर भी यूज कर सकते हो, गन्ने के अंदर भी यूज कर सकते हो। गन्ने में भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है और ये एक गुरमोर सुरक्षा की कंपनी के द्वारा निर्मित की जाती है, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, इसके द्वारा ये निर्मित की जाती है और काफ़ी बेटर रिजल्ट होता है। अब हम बात करते हैं फिनाइल की। ये फिनाइल एक नॉन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि किट के पेट के अंदर जाकर उसे लकवाग्रस्त करके उसको भूख के कारण की मौत हो जाती है और वो इंसेक्टिसाइड मर जाता है। इस प्रकार से ये काम करती है और एक काफ़ी बेटर रिजल्ट देती है। आप इसको धान के अंदर यूज कर सकते हो, धान के अंदर इसका काफ़ी बेटर रिजल्ट आता है। और हम बात कर रहे थे इसकी 900 से लेकर 950 रुपये इसका आपको ये मिल जाती है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 1150 रुपये है। ये 1 लीटर के पैक की मात्रा है और आप इसे देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस होता है। आप इसे आपके नियर बाय जो भी शॉप है वहाँ से आप इसे ले सकते हो। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको इस प्रकार से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।